नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का लोदज क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए फर्स्ट ईयर के राजनीति विज्ञान के सीरीज को, क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज फिर हम एक नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे दोस्तों, राजनीति विज्ञान का अन्य विज्ञानों के साथ संबंध। बेसिकली दोस्तों, वैसे तो हम इस टॉपिक पर पहले विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, लेकिन अति लघुतरी प्रश्न और लघुतरी प्रश्नों की प्रकृति के अंतर्गत इस सेशन में दोस्तों हम कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसरों को देखने वाले हैं जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो इसमें हम बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर के मॉडल क्वेश्चन आंसरों के साथ में। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं अपने सेशन की और शुरुआत करें उससे पहले कुछ जानकारी है जो आपको बता दूं मैं दोस्तों। बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड और थर्ड ईयर तीनों के इस प्रकार से सेशन कंटिन्यू चल रहे हैं। वैसे ये पेज अभी अपडेट नहीं है, इससे भी ज्यादा सब्जेक्ट दोस्तों इस प्लेटफॉर्म पर, लोदा क्लासेस वाले प्लेटफॉर्म पर कंटिन्यू है, चल रहे अभी आप लोगों के लिए। इस सब के अलावा अगर आप में से कोई भी दोस्त अगर बीए के बाद में या बीए के साथ किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे यूपीएससी, बीएससी, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, है ना, कोई सी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप लोगों के लिए ही एक नया प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया गया है यूट्यूब पर ही, प्रज्ञान हिंदी के नाम से। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, वहां जाकर उस चैनल को विजिट जरूर करें। उससे आपको सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के इंपॉर्टेंट जितने सब्जेक्ट है दोस्तों, वहां पर सभी सब्जेक्टों को स्टार्ट किया जा रहा है और वो ही पूरी तरह निःशुल्क रूप से। ठीक है, और नोट्स भी आपको दोस्तों वहां टेलीग्राम के माध्यम से प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की। आज का हमारा टॉपिक होगा राजनीति विज्ञान का अन्य विज्ञानों के साथ संबंध, जिसमें हम बात करेंगे लघुतरी प्रश्नों की प्रकृति के अंतर्गत उनके उत्तरों के साथ में। ठीक है, चलिए बात करते हैं दोस्तों। एक बार टॉपिक का पूरा नाम देख लीजिए, कुछ दोस्त जो है अपने सिलेबस को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो टॉपिक का पूरा नाम है राजनीति विज्ञान के अंतः अनुशासनात्मक उपागम, या फिर राजनीति विज्ञान का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध। ठीक है ना, साइड में जाता हूं, देख लीजिए एक बार ठीक से, राजनीति विज्ञान के अंतः अनुशासनात्मक उपागम। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं अपने सेशन की, आज के सेशन की, और कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो इस प्रकार है दोस्तों। कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो डिस्प्ले पर है, एक बार आप वीडियो को पॉज करके और सभी क्वेश्चनों को आप पढ़ सकते हैं, जिससे आपका आपको एक तरह से पूरा क्लियर हो जाएगा कि सेशन में हम कौन कौन से क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से हम यहाँ पर कुल मिलाकर आज के सेशन में सिर्फ 13 और मात्र 13 प्रश्नों के आंसरों पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, 13 प्रश्नों के आंसर। चलिए सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण में अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण का समर्थन क्यों किया गया है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान के जो आधुनिक दृष्टिकोण है उसमें अनुशासनात्मक दृष्टिकोण का समर्थन क्यों किया गया है। ठीक है, तो उत्तर है दोस्तों, व्यक्ति के संपूर्ण राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए जरूरी है कि राजनीति विज्ञान अन्य विज्ञानों से सहयोग प्राप्त करे। क्या कहना है यहाँ का, एक बार तो एक मिनट पहले लेते हैं, व्यक्ति के संपूर्ण राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए, समझिए दोस्तों पॉइंटों को समझते चलिए, व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार को, कि व्यक्ति समाज में किस प्रकार का राजनीतिक व्यवहार करता है उसे समझने के लिए राजनीति विज्ञान का अन्य विज्ञानों से सहयोग प्राप्त करना जरूरी है। क्यों जरूरी है समझिए जरा, कि व्यक्ति व्यक्ति समाज में रहता है और व्यक्ति की राजनीतिक प्रतिक्रियाओं को अगर हमें जानना है तो पहले हमें समाज शास्त्र को भी पढ़ना होगा, अर्थात राजनीति विज्ञान को समाज शास्त्र से सहयोग प्राप्त करना पड़ेगा। वहीं व्यक्ति समाज में रहकर अर्थपूर्ण क्रियाएं करता है, आर्थिक क्रियाएं करता है, तो इस प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं कि व्यक्ति का राजनीतिक, व्यक्ति की राजनीतिक प्रवृत्ति को समझने के लिए हमें अर्थशास्त्र को भी पढ़ना होगा, या फिर राजनीति विज्ञान को अर्थशास्त्र से भी सहयोग प्राप्त करना होगा। इसके उपरांत ही हम व्यक्ति की राजनीतिक प्रवृत्ति को भली भांति रूप से समझ सकते हैं। क्लियर है ना, इसलिए राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण में अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण का समर्थन किया गया है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राजनीति विज्ञान व इतिहास एक दूसरे पर अंतर निर्भर है क्यों। यहां पर क्वेश्चन आपका यह भी बन सकता है कि क्या राजनीति विज्ञान इतिहास से संबंधित है, क्या राजनीतिक विज्ञान और इतिहास एक दूसरे के परस्पर विरोधी है या समर्थित है या अंतर निर्भर है, सिद्ध कीजिए या समझाइए।
इस प्रकार का भी ये प्रश्न हो सकता है। उत्तर में हम लिखेंगे इतिहास में व्यक्ति समाज और राज्य के भूतकालीन जीवन का लेखा जोखा होता है, जबकि राजनीति विज्ञान में राज्य के वर्तमान और भविष्य का अध्ययन रहता है, इसलिए राजनीति विज्ञान और इतिहास एक दूसरे पर निर्भर है। क्यों है निर्भर, समझ गए क्यों है निर्भर? क्योंकि इतिहास और हम राजनीति विज्ञान की जब हम परस्पर बात कर रहे हैं, एक दूसरे की निर्भरता की बात कर रहे हैं, तो हम यह कह सकते हैं कि इतिहास में व्यक्ति समाज या राज्य का भूतकालीन अर्थात भूतकाल भूतकालीन जीवन का लेखा जोखा होता है। देखिए इतिहास में क्या होता है, व्यक्ति का, समाज का, राज्य का या किसी, इन तीनों की किसी भी घटना का वर्णन होता है। और घटना कब होती है? भूतकाल में होती है, गुजरे हुए समय का वर्णन होता है इतिहास में। वही जब राजनीति विज्ञान की हम बात करते हैं दोस्तों, तो राजनीति विज्ञान में वर्तमान और भविष्य की चर्चा होती है। राजनीति विज्ञान में वर्तमान व्यक्ति समाज या राज्य के वर्तमान या भविष्य की बात की जाती है, इसलिए कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान को भली भांति समझने के लिए इतिहास को पहले समझना होगा। तो इसलिए राजनीति विज्ञान और इतिहास एक दूसरे पर निर्भर है, ना कि परस्पर एक दूसरे की विरोधी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है, चार सामाजिक विज्ञान विषयों के नाम लिखिए। चार उन विज्ञानों के नाम आपको बताना है जो सामाजिक विज्ञान हैं। तो वो चार विज्ञान है दोस्तों, राजनीति विज्ञान, इतिहास, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र। ये चार प्रमुख सामाजिक विज्ञान हैं, जो कि समाज के लगभग पहलुओं का मैक्सिमम अधिकतम पहलुओं का अध्ययन इन प्रमुख चारों समाजशास्त्रों में किया जाता है, सामाजिक विज्ञानों में किया जाता है। क्लियर है यहां से? चलिए अगला प्रश्न है, अनुशासनात्मक दृष्टिकोण का क्या अर्थ है? इसी प्रश्न को अथवा में पूछा जा सकता है, अंतरराष्ट्रीय उपागम से आप क्या समझते हैं, या फिर शब्दावली अनुशासनात्मक उपागम में अनुशासन का क्या अर्थ है। क्लियर है? तीनों प्रश्न एक दूसरे पर निर्भर है, अर्थात एक जैसे हैं, सिर्फ घुमा दिया गया है, उनको अलग ढंग से आपसे पूछने का प्रयास किया गया है, जिससे आपके मस्तिष्क में कॉम्प्लेक्स बन जाए, अर्थात उलझन बन जाए। हमेशा याद रखिएगा, एग्जामिनर जो है प्रश्न पत्र में आपको उलझाने का प्रयास करता है, वो चाहता है कि आप कंफ्यूज हो, ठीक है ना? तो आपको उस उलझन से समझदारी के साथ निपटते हुए आगे बढ़ना है। चलिए इसके उत्तर की अगर हम बात करें तो दोस्तों इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से होगा, अंत अनुशासनात्मक दृष्टिकोण में चार मुख्य शब्द है जिनका प्रयोग जो इस प्रकार है। अंता का अर्थ, एक मिनट पेन ले लेते हैं। अंता का अर्थ है आंतरिक संबंध, समझिए यहां पर। अंत अनुशासनात्मक दृष्टिकोण, ये जो शब्द है इसमें चार तत्व है, या कहें कि चार इसके प्रकार है। क्या क्या है? अंत, पहला शब्द है अंत, इसका अर्थ होता है आंतरिक संबंध। दूसरा है अनुशासन, तो इसका अर्थ होता है विषय या विद्या। और तीसरा शब्द है आत्मक, जिसका अर्थ होता है लक्षण। और एक है दृष्टिकोण, जिसका अर्थ होता है दर्शन का उपागम। तो इस प्रकार से चारों को मिलाने के बाद में इसका जो शाब्दिक अर्थ बन जाता है वो बनता है अध्ययन का ऐसा दृष्टिकोण जो विभिन्न विषयों में आंतरिक संबंध के लक्षण पर बल देता है। यह अंत अनुशासनात्मक दृष्टिकोण या उपागम कहलाता है। क्लियर है? एक बात और बता दूं, बार बार मैं साइट में नहीं हो पाऊंगा, पीछे जानता हूं, ये पीछे जो डाटा आपको आ रहा है मेरे पीछे, निश्चिंत रहे दोस्तों, सिर्फ अभी सुनते चले और उत्तर को समझते चले, है ना? और इस लेक्चर के खत्म होने के तुरंत बाद आप इसकी डिस्क्रिप्शन में जाइए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां लिखा होगा पीडीएफ नोट्स डाउनलोड हियर, तो वहां से आप इस नोट्स को, इस पीपीटी को पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करके उसका रिविजन इजिली लगा सकते हैं अपने परीक्षा से कुछ पहले, समय पहले आप रिविजन के लिए उसे सेव करके भी रख सकते हैं, जब तक आप चाहें तब तक। क्लियर है? इसलिए बार बार साइट में नहीं हो पाऊंगा, बस इतना ध्यान रखें, डिस्क्रिप्शन में इस नोट्स को डाउनलोड कर ले, वहां से आप इसका रिवीजन लगाएं लेक्चर खत्म होने के बाद में, तो ये जो पूरा टॉपिक है एक ही बार में पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 5 है, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र, इसमें कोई दो अंतर आपको बताना है। किस किस में? पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमी में दो अंतर आपको, दो डिफरेंस बताना है। दो अंतर इस प्रकार है, पहला अंतर है राजनीति शास्त्र का संबंध किससे है दोस्तों,
मूल्य से है, जबकि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है, कीमतों से है। याद रखिएगा आप लोग, नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है मूल्य का संबंध भी अर्थशास्त्र से ही जोड़ देते हैं और कीमत का संबंध भी अर्थशास्त्र से जोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पर मूल्य जो विषय है वो राजनीति विज्ञान का है। क्यों? क्योंकि जो मूल्य होता है दोस्तों वो राजनीति, राजनीतिक दृष्टिकोण के तहत या कहें कि राजनीति के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है, जबकि कीमतें जो निर्धारित होती है वो अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग होती है। अगला जो डिफरेंस है वो है राजनीति शास्त्र का संबंध सजीव वस्तुओं से होता है। राजनीति के अंतर्गत जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो सजीव वस्तुओं से सबके संबंध में लिए जाते हैं। वहीं जब हम बात अर्थशास्त्र की करते हैं दोस्तों तो वहां पर निर्जीव वस्तुओं से संबंधित होता है अर्थशास्त्र। चलिए अगले प्रश्न पर बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राजनीति विज्ञान एवं दर्शन शास्त्र के मध्य में अंतर बताइए। अब यहां बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान और दर्शन शास्त्र, इन दोनों के बीच में कुछ अंतरों पर हम बात करेंगे, जिसमें पहला है दर्शन शास्त्र संपूर्ण जीवन चक्र और सृष्टि के नियामक तत्व का अध्ययन करता है, वहीं राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन का क्षेत्र है वो मनुष्य का राजनीतिक जीवन और राजनीतिक विश्व है। नेक्स्ट है राजनीति विज्ञान का संबंध मुख्यतः साकार, मूर्त और प्रत्यक्ष रूप से होता है, प्रत्यक्ष है, जबकि दर्शन शास्त्र का संबंध निराकार, अमूर्त और अप्रत्यक्ष है। इस शब्द को भी, इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। राजनीति विज्ञान का जो संबंध है, राजनीति विज्ञान का जो संबंध है वो साकार, मूर्त और प्रत्यक्ष से होता है। इससे थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था कि राजनीति विज्ञान जो अध्ययन करता है वो सजीव वस्तुओं का अध्ययन करता है ना, लेकिन लेकिन दर्शन शास्त्र की जब बात करें तो वो निर्जीव, या अर्थशास्त्र की बात करें तो वो भी निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन करता है। उसी प्रकार से दर्शन शास्त्र भी निराकार, अमूर्त या अप्रत्यक्ष से संबंधित होता है। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान एवं इतिहास में भी कोई आपको दो अंतर बताना है। इससे पहले हमने प्रश्न में बात की थी राजनीति विज्ञान और इतिहास दोनों पर एक दूसरे पर जो है निर्भर है, और अब हम यहाँ बात कर रहे हैं कि राजनीति विज्ञान और इतिहास दोनों अलग अलग है, इसके कुछ अंतर हमें स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रकार से अंतर को हम बता सकते हैं, इतिहास का क्षेत्र व्यापक होता है वहीं राजनीति विज्ञान का क्षेत्र संकुचित होता है। मतलब ये कि इतिहास एक बड़ा क्षेत्र है, एक व्यापक विषय है, बड़ा विषय है, वही राजनीति विज्ञान का जो क्षेत्र है, अध्ययन का क्षेत्र, वो सीमित होता है। इतिहास वर्णनात्मक है, राजनीति विज्ञान आदर्शात्मक है। ये शब्दावलियां आपको याद रखनी है, याद रखनी है। एग्जाम में इन्हीं शब्दावलियों से दोस्तों प्रश्न बनते हैं और हम यहीं पर जाकर उलझ जाते हैं। प्रश्न याद होने के बाद भी हम उनका उत्तर ना दे पाए, इसका कारण होता है, ये कारण नहीं होता है कि आपको आंसर याद नहीं है, आपको आंसर तो याद होता है लेकिन आप उसकी शब्दावलियों को ठीक से कैचअप नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से आपको वो प्रश्न का उत्तर छोड़ना पड़ता है याद होने के बाद भी, है ना। इसलिए विशेष ध्यान देना है आपको शब्दावलियों पर। किसी भी शब्दावली जो आपको याद नहीं है, सब आपको पूरा आंसर याद करने की आवश्यकता नहीं है, आपको उस आंसर की शब्दावलियों को मार्क कीजिए, उन शब्दावलियों को याद कीजिए, आपका प्रश्न का जो उत्तर है ना वो सटीक रूप से अपने आप याद हो जाएगा। अगर आपने दो लाइन का भी आंसर पढ़ा है तो उसे 10 लाइन में कैसे कन्वर्ट करना है ये आप भली भांति रूप से जानते हैं, लेकिन कब ये कब कर पाएंगे आप, जब आपको शब्दावलियां बहुत अच्छे से याद होंगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान के इतिहास में अंतरशास्त्रीय दृष्टिकोण से कौन सी धाराएं स्पष्ट पहचानी जा सकती है। क्या कहा? राजनीति विज्ञान के इतिहास में, राजनीति विज्ञान का जो इतिहास रहा है उसमें अंतरशास्त्रीय दृष्टिकोण से कौन सी धाराएं स्पष्ट पहचानी जा सकती है। तो कुछ धाराएं हैं जो तीन प्रकार की धाराएं हैं, परंपरावादी, व्यवहारवादी और मार्क्सवादी, ऐसी धाराएं हैं, ऐसी धारणाएं हैं, ऐसे विचार हैं जिन्हें अंतरशास्त्रीय दृष्टिकोण के माध्यम से पहचाना जा सकता है राजनीति विज्ञान के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, अंतरशास्त्रीय दृष्टिकोण की अनुभववादी धारणा कहाँ परिलक्षित होती है, अर्थात कहाँ पर स्पष्ट होती है, कहाँ दिखाई देती है। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा, अंतरशास्त्रीय दृष्टिकोण की अनुभववादी धारणा अमेरिकी राजनीति विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में परिलक्षित होती है, जैसे व्यवहारवाद और व्यवस्था विश्लेषण सिद्धांत में परिलक्षित होती है। क्लियर है? तो कहां पर दोस्तों, अमेरिकी राजनीति विज्ञान, राजनीति के अंतर्गत, अमेरिकी राजनीति के अंतर्गत उसकी कुछ शाखाएं हैं
जैसे व्यवहारवाद और व्यवस्था विश्लेषण के सिद्धांतों में अंतःशास्त्रीय दृष्टिकोण जो है परिलक्षित होता है। अगला प्रश्न है, अंत अनुशासनात्मक उपागम के अनुभववादी दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। क्या प्रश्न है? अंत अनुशासनात्मक उपागम के अनुभववादी दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। उसका उत्तर हो जाएगा, डाटा मेरे पीछे आ रहा है इसलिए मैं बता दूं आपको, पूरा अच्छे से पढ़कर सुना रहा हूं जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। उत्तर होगा, अनुभववादी दृष्टिकोण की विभिन्न विज्ञानों विशेषतः अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र में विधि, तर्क, प्रतिमानों आदि की समानता पर बल देता है तथा विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के स्थान पर एक सामाजिक विज्ञान का निर्माण करने के पक्ष में है। एक बार आप लोग भी ठीक से पढ़ लीजिए, मैं साइट में हो रहा हूँ। प्रश्न है, अंत है अनुशासनात्मक उपागम के अनुभववादी दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, अनुभववादी दृष्टिकोण की विभिन्न विज्ञानों जैसे अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र में, इन तीनों शास्त्रों में विधि, तर्क और प्रतिमानों जैसे समानता पर बल देते हैं तथा विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के स्थान पर एक सामाजिक विज्ञान का निर्माण करने के पक्ष में है। क्लियर है दोस्तों, यहां तक क्लियर है? चलिए तो अगले प्रश्न पर मूव करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राजनीति विज्ञान के लिए इतिहास की क्या उपयोगिता है? राजनीति विज्ञान के लिए इतिहास की क्या उपयोगिता है? तो दोस्तों, इससे पहले भी हमने राजनीति विज्ञान और इतिहास के संबंध में और इससे पहले दो प्रश्न हम देख चुके हैं। तो किसी भी प्रश्न में कहीं उलझन ना हो, कोई प्रश्न आप किसी प्रश्न का उत्तर आप उठक पटक करके मिक्स ना करें, इसके लिए विशेष फोकस करने की आवश्यकता है। ये प्रश्न हमारा अलग है, एक प्रश्न हमारा था राजनीति विज्ञान और इतिहास एक दूसरे पर निर्भर है, दूसरा अपने प्रश्न देखा था राजनीति विज्ञान और इतिहास के बीच अंतरों के तहत, तीसरा जो हम प्रश्न देख रहे हैं राजनीति विज्ञान और इतिहास, राजनीति विज्ञान के लिए इतिहास किस प्रकार से उपयोगी है ये हमें बताना है, समझाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इतिहास ही राजनीति के सभी सिद्धांतों, राजनीतिक गतिविधियों का उद्गम है। क्या कहा? देखिए, राजनीति विज्ञान में जो भी क्रियाएं होती है, जो कार्य होते हैं, वो किस बे उसका बेस क्या होता है दोस्तों? इतिहास ही होता है। राजनीति के अंतर्गत जितनी भी योजनाएं बनाई जाती है, राजनीतिक कार्य जो होते हैं, जितने भी कार्य किए जाते हैं एक देश के अंदर, उन सभी कार्यों का जो एक बेस होता है ना, किस बेस, जिस बेस पर वो खड़ा होता है, जिस बेस को देख करके जो एक प्लान तैयार किया जाता है, वो इतिहास ही होता है, इतिहास ही होता है। मान लेते हैं कि सरकार को समाज के लिए कोई एक योजना लेकर आना है, कोई कानून लेकर आना है, तो कानून दोस्तों, जी हाँ, होता भविष्य के लिए है, वो कानून समाज के भविष्य के लिए बनकर तैयार होता है, परंतु जब वो तैयार हो रहा होता है तो उस कानून के संबंध का जो इतिहास रहा है उसे प्रथम पक्ष दिया जाता है, अर्थात उसको पहले वाच किया जाता है, उसको देखने के बाद ही उसके अकॉर्डिंग ही आगे प्लान बनेगा जो समाज का भविष्य तय करेगा, ठीक है ना। तो इसलिए कहा गया है कि इतिहास ही राजनीति के सभी सिद्धांतों या राजनीतिक गतिविधियों का क्या है? उद्गम है। सभी सिद्धांतों को राजनीतिक बनाने के लिए इतिहास से प्राप्त जो सामग्री जो प्राप्त होती है उनका सहारा लेना पड़ता है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 12 है, लास्ट सेकेंड क्वेश्चन है, राजनीतिक शास्त्र का समाज शास्त्र से क्या संबंध है? राजनीति विज्ञान का, पॉलिटिकल साइंस का समाजशास्त्र से क्या संबंध है, या समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान के बीच में क्या संबंध है, आपको स्पष्ट करना है। उत्तर इस प्रकार है दोस्तों, दल, वर्ग, गुट, संस्थाएं और सभी, माफ करना, सभाएं, कौन कौन? दल, वर्ग, गुट, संस्थाएं और सभाएं सभी राजनीति से भी उतने ही संबंधित है जितने समाजशास्त्र से। इसी प्रकार अनेक सामाजिक क्रियाकलाप जैसे कि परिवर्तन, संघर्ष, समाजीकरण, ये सब राजनीति का अंग बन चुके हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न इसमें कुछ समझ जैसा क्वेश्चन, जिस प्रश्न में कोई उलझन ना हो उसको समझ, उसमें समय देने से हम बचेंगे, ठीक है ना, और जिस प्रश्न को समझने की आवश्यकता है वहीं पर हम समय देंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट और अगला प्रश्न है हमारा, राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र में कोई दो अंतर बताना है आपको। तो पहला अंतर है, राजनीति विज्ञान एक आदर्श परक विज्ञान है जबकि समाजशास्त्र एक वर्णनात्मक विज्ञान है। वहीं दूसरा अंतर है, राजनीति विज्ञान मानव की केवल
चेतन कार्य प्रणाली का अध्ययन करता है कौन? राजनीति विज्ञान। किसका? मानव की चेतन प्रणाली का अध्ययन करता है। वहीं समाजशास्त्र मनुष्य की अचेतन कार्यविधि का अध्ययन करता है। क्लियर है दोस्तों? इस प्रकार से हमारा आज का सेशन होता है कंप्लीट। क्या लगा दिया यार। चलिए है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा जिसमें हम क्वेश्चन आंसर के तहत ही इस प्रकार से सेशन डिस्कस करेंगे, वो होगा दोस्तों स्वतंत्रता समानता व मानव अधिकार। स्वतंत्रता समानता व मानव अधिकार। क्लियर है? चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू और समय देने के लिए। दोस्तों अभी तक अगर आपने कोई बीए कंप्लीट, अगर बीए की तैयारी अगर आप कर रहे हैं और अभी आपने टेलीग्राम को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लें, क्योंकि आवश्यक जो सामग्री होती है आपकी वो वहीं से मिलती है। ठीक है, बाकी समझदार आप हैं, आप अपने अकॉर्डिंग देखिए आपको किस चीज की आवश्यकता है और उसके अनुसार ही अपने अध्ययन को कंटिन्यू रखें। ठीक है ना, आप जहां से भी रखें, जहां से भी करें दोस्तों, बस एक बात हमेशा याद रखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप पूरा अपना बीए यहाँ से कंप्लीट करें, कहीं से भी आप कीजिए, लेकिन जो विशेष बात है वो ये है आप लोगों के लिए कि पढ़ते वक्त बीए में दरअसल मार्क्स लाना एक लोहे के चने चबाने के समान होता है। बीए में मार्क्स लाना, हम पढ़ते भी हैं फिर भी मार्क्स अच्छे से नहीं आते हैं, ना नहीं पढ़ते हैं तब भी मार्क्स अच्छे से नहीं आते, तो फिर क्यों पढ़े और क्या कारण है कि मार्क्स नहीं आते हैं? दोस्तों कमी हमारे अंदर ही होती है, बहुत सारी प्रॉब्लमें होती है और कारण कुछ ऐसे होते हैं कि बीए को हम बहुत हल्के में लेते हैं ना, बस एक साधारण से सब्जेक्ट होते हैं, साधारण से टॉपिक होते हैं तो हमें लगता है कि बस हम कर ले जाएंगे, लेकिन एक बार उसकी गहराई में उतर कर देखिए आपको बहुत डिफिकल्ट लगने लगेंगे। कारण उसका होता है शब्दावली। मैं हर सेशन में आपको जब भी पढ़ाता हूं तो हमेशा फोकस करवाता हूं कि शब्दावलियों पर ध्यान दे। अगर आप किसी भी विषय को बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो शब्दावलियों पर ध्यान दे, जिससे आपका विषय स्ट्रोंग हो जाएगा और उसे अधिकतम समझ दे। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में दोस्तों, तब तक सभी का धन्यवाद, थैंक यू।